मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के आदर्श कॉलोनी निवासी महिला द्वारा सीओ सिविल लाइन डॉक्टर अनूप सिंह और इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह को दी गई तहरीर में मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के कार्मिक अधिकारी एस के त्यागी, वेलफेयर इंस्पेक्टर लोकेश प्रताप सिंह ने कहा कि उनके मृतक पुत्र राजीव रेल विभाग में बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उसकी मृत्यु के बाद बिना न्यायालय की अनुमति के ही उसकी ग्रेच्युटी, छुट्टी, बीमा सहित सभी भुगतान जो लाखों में था फर्जी कागजात बनाकर निकाल लिया गया। वहीं सीओ सिविल लाइन्स ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक क्लर्क की बीवी तानिया निवासी आदर्श कॉलोनी रामबाबू उर्फ बबलू कार्मिक अधिकारी एस के त्यागी, वेलफेयर इंस्पेक्टर लोकेश प्रताप सिंह सहित धोखाधड़ी में इन्हें चारों लोगों का साथ देने वाले एक अज्ञात रेल कर्मी के खिलाफ 420 साथ ही 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक राजीव की मां उर्मिला देवी की तहरीर पर इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा यह मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।